नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी और आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 341वां एपिसोड। आज है 14 जुलाई 2021 और रोज की तरह आज भी आईपीएल और क्रिकेट जगत को लेकर दिन भर की 10 बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। दोस्तों, आईपीएल की 10वीं टीम को लेकर बड़ी अपडेट है। 9वीं टीम तो अहमदाबाद की होगी, लेकिन 2022 में 10वीं टीम कैसे होगी, कौन सी होगी, किस शहर की होगी, उस पर सबसे एक्सक्लूसिव खबर है। दिन भर की 10ों की 10ों खबरों को बताएंगे, आज तक वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों, हमने और हमारी टीम ने बहुत मेहनत की इन सारी खबरों को एक साथ आप तक पहुंचाने के लिए, तो आप भी हमें एक छोटी सी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप भी आईपीएल के फैन हैं तो यहाँ के नीचे से लाइक बटन को अभी हिट कीजिए, वीडियो को अभी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के हवाले से। तो ये रिपोर्ट ब्रेट ली के हवाले से आ रही है। ब्रेट ली विराट कोहली की बिग बैश लीग में एंट्री चाहते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वो खुद बोल रहे हैं। दरअसल दोस्तों, ब्रेट ली ने बयान दिया, उन्होंने कहा है नीड मोर प्राइवेट ओनरशिप एंड इन बिग बैश लीग, इमेजिन विराट कोहली प्लेइंग इन सिडनी सिक्सर्स। मतलब भाई ब्रेट ली बोल रहे हैं कि बिग बैश में और प्राइवेट ओनरशिप आनी चाहिए और पैसा आना चाहिए, जिससे महंगे खिलाड़ी विराट जैसे प्लेयर्स भी आ सकें। वो चाहते हैं कि विराट जैसे बड़े प्लेयर्स बिग बैश में खेले। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट आ रही है पीएसएल और आईपीएल की लड़ाई को लेकर। 2022 में फिर से पीएसएल और आईपीएल एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो सकते हैं, क्योंकि रिपोर्ट यह है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के बीच फरवरी और मार्च में एक सीरीज होगी, जिसके चलते पीएसएल 2022 के शेड्यूल को थोड़ा सा पोस्टपोन करना पड़ सकता है। और अप्रैल मई में पीएसएल भी होगा, अप्रैल मई में आईपीएल भी होता है और दोनों के शेड्यूल क्लैश हो जाएंगे। हालांकि दोस्तों, एक्सपर्ट्स और मेरा भी यही मानना है कि अगर पीएसएल और आईपीएल का शेड्यूल क्लैश करता है तो इससे नुकसान आईपीएल का नहीं होगा, इससे नुकसान पीएसएल का होगा, क्योंकि फिर विदेशी प्लेयर्स पीएसएल नहीं जाएंगे, वो आईपीएल ही आएंगे। अब देखते हैं दोस्तों इस पर आगे क्या अपडेट आती है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से ही ऐसा करता हुआ आया और इस बार भी कर सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों तीसरी बड़ी खबर की अब बात करते हैं। तो भाई बिग बैश लीग की शुरुआत को लेकर अब तक की सबसे बड़ी रिपोर्ट आ गई है। 5 दिसंबर से बिग बैश लीग शुरू होगा और सिडनी सिक्सर्स मेलबोर्न स्टार के बीच पहला मैच खेला जाएगा। इसका शेड्यूल आज रिवील्ड होने वाला है, हो जाएगा तो हमारे टेलीग्राम के दर्शकों को पहले ही पता लग जाता है, इसलिए टेलीग्राम पर जाकर फॉलो भी जरूर करके रखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की चौथी बड़ी खबर की। तो अच्छी खबर नहीं है और बहुत बड़ा सदमा, बहुत बड़ा झटका पूरी दुनिया की क्रिकेट को लगा है। 1983 वर्ल्ड कप के हीरो यशपाल शर्मा की मतलब दुखद डेथ हो गई है, हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई है। तो हमारी तरफ से भी दोस्तों उनको एक बड़ी श्रद्धांजलि, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप 1983 में बहुत बड़ा रोल निभाया था भारत के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की पांचवी बड़ी खबर की। तो तमिलनाडु प्रीमियर लीग आईपीएल की तर्ज पर जो टीएनपीएल शुरू हुआ था, उसके फैंस के लिए अच्छी रिपोर्ट आ गई है, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स 2 और स्टार स्पोर्ट्स तमिल पर होगा। 19 जुलाई से ये लीग शुरू होगी। आईपीएल के बाद भारत की सबसे बड़ी डोमेस्टिक लीग टीएनपीएल है और इसीलिए ये साल होकर ही रहेगी। ये एक तरह से भारत में अगले आईपीएल 2022 के आईपीएल का कह लेना कि मॉक ड्रिल की तरह ये होगी, तो सबकी निगाहें भी इस लीग पर होगी। आगे बढ़ते हैं छठवीं बड़ी खबर की दोस्तों, बात करते हैं। तो ये रिपोर्ट आ रही है आईपीएल की 10वीं टीम से। आईपीएल की 9वीं टीम का तो अहमदाबाद का आना तय है, अडानी खरीदेंगे ये लगभग तय है, ये पहले से ये सारी बातें एक तरह से लिख दी गई है। लेकिन 10वीं टीम को लेकर अब कंफ्यूजन बढ़ गया है, क्योंकि पहले इंदौर और पुणे का नाम सामने आ रहा था, अब लखनऊ भी कंटेंडरशिप में आ गया है और ये रिपोर्ट भी आ रही है कि लखनऊ की 10वीं टीम हो सकती है। लखनऊ में मैदान बड़ा है, पब्लिक भी आ सकती है, उत्तर प्रदेश स्टेट भी बड़ा है, स्पॉन्सरशिप भी मिल जाएगी, कमाई भी कर लेगी टीम। तो इंदौर और पुणे के बाद अब लखनऊ वो टीम होगी जो कि 10वीं टीम की दावेदारी करेगी। आपके हिसाब से किस शहर की होनी चाहिए 10वीं टीम, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। हजारों लोग कमेंट पढ़ते हैं, कमेंट जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की सातवीं बड़ी खबर की। तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम के हवाले से रिपोर्ट है, बड़ी रिपोर्ट है और अच्छी रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि दिल्ली का मैनेजमेंट श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत में बट गया है। दरअसल दोस्तों, पूरा मसला यह है कि दिल्ली के लिए अब सवाल यह है कि
फेज टू यूएई में जो आईपीएल होगा उसमें कौन कप्तान होगा, और दिल्ली के आधे मैनेजमेंट के लोग जो है वो बोल रहे हैं कि श्रेयस अय्यर को होना चाहिए, आधे बोल रहे हैं ऋषभ पंत को होना चाहिए। मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर बहुत बेहतर ऑप्शन है क्योंकि वो पहले कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से। कुछ लोग ऋषभ पंत भी बोल रहे हैं, इवन युवराज सिंह भी ऋषभ पंत बोल चुके हैं। आप इस पर अपनी राय जरूर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपके हिसाब से किसे होना चाहिए यूएई में 2022 में दिल्ली का नया कप्तान, कमेंट बॉक्स नीचे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिनभर की 8वीं बड़ी खबर की। तो विराट कोहली ने एक तस्वीर शेयर की और इस तस्वीर के आने के बाद सोशल मीडिया पर लाइक्स की बहार आ गई। विराट कोहली ने अपनी डॉटर वमिका के साथ ये फोटो शेयर किया, हालांकि वमिका का चेहरा नहीं दिख रहा है, लेकिन इस तस्वीर पर लाइकों की बरसात आप भी कर दीजिए क्योंकि विराट भाई की तस्वीर है, नीचे लाइक का बटन है, जरूर हिट कीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिनभर की 9वीं बड़ी खबर की। तो क्रिस गेल ने एक और इतिहास रच दिया है, एक और कीर्तिमान जड़ दिया है, और ये कीर्तिमान क्रिकेट फैंस को बड़ा पसंद आने वाला है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो T20 सीरीज चल रही है उसमें क्रिस गेल ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया। उन्होंने 14,000 रन T20 क्रिकेट में पूरे कर लिए और T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर्स बने हुए हैं। 14,000 का माइलस्टोन क्रॉस कर लिया है। इनके लिए तो लाइकों की क्या भाई, शेयर की भी बरसात होनी चाहिए, शेयर भी कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि क्रिस गेल ने ना सिर्फ दुनिया की क्रिकेटों में आईपीएल को भी जो कुछ दिया है ना वो हम भूल नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिनभर की 10वीं बड़ी खबर की। तो साउथ अफ्रीका से खबर आ रही है, जो अच्छी नहीं है। एबी डिविलियर्स ने भी इस पर ट्वीट किया है, साउथ अफ्रीका में बड़े नेता को पकड़ने के बाद दंगे भड़क गए हैं, वायलेंस हो गई है, और पूरे साउथ अफ्रीका में वायलेंस हो गई है जिसके चलते क्रिकेट तो वहां पर रुक ही गया है। एबी डिविलियर्स ने भी इस पर ट्वीट किया है। एबी डिविलियर्स ने कल ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि लोगों को शांत रहने की, शांति बरतने की, काम डाउन रहने की अपील की। आप एबी डिविलियर्स का ट्वीट भी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हालांकि बड़े बड़े क्रिकेटर्स कर रहे हैं सब कुछ। दोस्तों ये खबर वायलेंस की मैं क्यों बता रहा हूँ, साउथ अफ्रीका में अगर क्रिकेट प्रभावित होता है, पहले हो चुका है, अगर फिर से होता है, तो ये दुनिया की क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम कितनी मजबूत, कैसे कैसे प्लेयर्स वहां से कितने खतरनाक आए ये हम सभी को पता है। तो डेफिनेटली सब कुछ सही हो जाए साउथ अफ्रीका में तो अच्छा है। तो दोस्तों ये तो थी दिनभर की 10 बड़ी खबरें। इसमें से आपको खबर कौन सी बेहतर लगी, कौन सी अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, कमेंट जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।